जनसंपर्क के दौरान भिंड विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी बोले, मैंने सपा से चुनाव लड़ा था, तब मैंने 32,000 वोट लिए थे। अब मैं नहीं, क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ रही है। साथ ही भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने भिंड से कांग्रेस उम्मीदवार राकेश चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि चौधरी ने पार्टी के साथ गद्दारी की है। देखें पूरा वीडियो चंबल तक पर। आज लोग माननीय मुख्यमंत्री की जन कल्याणकारी योजना है उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में या जनशाला उम्र पर एक और अन्य पार्टियां होंगी और दूसरी और यहाँ की जनता है, मतदाता है, मतदाताओं ने मन बना लिया कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र सिंह कुशवाहा को हम नरेंद्र भैया भी जनशाला हमारे साथ था, सपा का यहाँ कुछ था नहीं, फिर भी 32,000 के करीब वोट लिए। लोग राकेश चौधरी को हराना चाहते थे तो हमारे ही वोट इधर उधर ट्रांसफर हो गया, इसलिए हाथी निकल गया था क्योंकि राकेश को लोग नहीं चाह रहे थे। आज वो विभिन्न राकेश जी फिर आ गए हैं तो कांग्रेस को लोग नहीं चाह रहे, इसलिए जन सैलाब किसी भी गांव में चले जाओ, मोहल्ला में चले जाओ, बाजार में चले जाओ, ठेला वाला, रिक्शा वाला, सब लोगों के ये मतलब ये चुनाव जनता लड़ रही है। हम तो निमित्त कैंडिडेट हैं, जनता ही कहने से हमारा टिकट हुआ और जनता ही मुझे चुनाव जिताई। गद्दारी तो उन्होंने की है, 90 में गद्दारी की, पिताजी उनके बीजेपी में थे, कांग्रेस में चले गए, भरे सदन में विपक्ष का नेता जिसने कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया है, वो किस मुंह से, अभी 5 साल नहीं हुए, 5 साल पहले वो कमल के फूल के नीचे वोट मांग रहे थे, आज कांग्रेस में आ गए, तो गद्दारी तो उन्होंने की है। भाजपा कभी गद्दारी नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी देश का सबसे बड़ा दल है, भाजपा चुनाव लड़ रही है, एक और अन्य पार्टियां होगी और जो यहाँ जनता चुनाव सैलाब है, नौजवान है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, देखिए ना कितना बड़ा सैलाब है। जनता ने मन बना लिया, बहुत पहले ही मन बना लिया था जनता ने और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया।